हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे बरसात के मौसम में हमें गार्डन में पांच काम जरूरी करना चाहिए। कौन सी पांच काम है जो हमें अभी के अभी करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लेट करेंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि हमारे प्लांट के साथ। तो वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी सारे आपके पास पौधे हैं, यानी कि गमले वाले पौधे, तो अभी सबसे फर्स्ट काम हमें करना है, जैसे कि ये देख रहे हो, ये इनडोर प्लांट है, स्पैडर प्लांट है। जितने भी खराब पत्ते उसे आप कट करके हटा दो, वो तो पहला काम नहीं है आप, पर ये काम हर रोज़ कर सकते हो। तो देखिए पहला काम क्या है, जब भी बारिश होती है तो हमारे गमले के मिट्टी जो है वो छिटक छिटक कर बाहर चले जाते हैं और हमारे पौधे के जो जड़ है वो नज़र आते हैं, जैसे कि इस वीडियो पर या फिर ये पौधे की देख रहे हो। तो सारे पौधे में इस तरीके से देखने को आपको मिलेंगे, जितने भी बड़े पॉट हो या छोटे पॉट हो। तो सबसे पहले देखिए, हम जो है इस जड़ को ढकने की कोशिश करेंगे। तो ढकेंगे कैसे दोस्तों, जब भी हमारे पास जितने भी सारे गमले हैं, पौधे हैं, तो हमें उस पर मिट्टी पूरी तरीके से भर देना है, यानी कि गमले में पूरे भर देना है मिट्टी। जैसे कि जब भी बारिश हो तो छिटक छिटक कर बाहर मिट्टी निकल जाएंगे भी, तो इन जो जड़ है इनको नुकसान ना हो, यानी कि बारिश की जो बूंदे है वो जोर जोर से गिरे तो ये जड़ को चोट ना लगे, इसलिए हमें पूरे अच्छे तरीके से मिट्टी को भर देना है। जितने सारे भी गमले हैं आपके पास, आप ये काम जरूरी से ज़रूर कर ले पहला काम। और आप फूलों वाले पौधे हैं या फिर सब्जियों वाले पौधे, इंडोर आउटडोर जो भी प्लांट है आपके पास, परमानेंट प्लांट है, आप ये काम फटाफट से कर लीजिए। अगर आपके पास प्लास्टिक के पॉट में है, मिट्टी, सीमेंट या फिर ग्रो बैग किसी में भी बना के रखे हो, तो ये काम फटाफट से कर लीजिए देर ना करते हुए। तो मैंने यहाँ पर जो भी जितने सारे भी प्लांट थे सब में मैंने कर लिया है। ये मेरा रियो का प्लांट है, रियो के प्लांट का भी परिस्थिति कुछ इस तरीके से था, तो मैंने इसमें भी मिट्टी डाल दिया है। तो मिट्टी डालना ना भूले पहला काम है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं जो हमें गार्डनिंग करते वक्त बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही कर दें तो इसी बीच हमारे पौधे जो है वो मर सकते हैं या फिर ख़राब हो सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आप गार्डनिंग स्टार्ट करें खुशी खुशी। और दूसरा काम हमें देखिए करना क्या है, जितने सारे भी हमारे पास पॉट है यानी कि गमला जो भी, तो उसमें देखिए ये जो छेद आप देख रहे हो नीचे, ड्रेनेज होल बंद ना हो। बारिश के समय में बहुत ऐसा प्रॉब्लम होती है जो बंद हो जाती है छेद, तो हमें टाइम टू टाइम इस तरीके से चेक करना पड़ता है। अगर ये बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, बारिश के पानी जो है हमारे गमले में ठहरेंगे, यानी कि रह जाएंगे, रुक जाएंगे, वो ड्रेनेज होल से नीचे बाहर नहीं आएंगे पानी, इसी बीच हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, यानी कि मर जाते, सड़ जाते, गल जाते हैं, इतने सारे जो है हो जाते हैं हमारे पौधे के साथ। फिर हम सोचते हैं हमने ऐसा क्या गलती किया जो हमारे पौधे ख़राब हो जा रहे। तो आप हर पॉट को चेक करें, यानी कि जितने भी गमले हैं चेक करें। तो तीसरा काम हमें देखिए करना क्या है, एक गमला ले लेना है। बरसात जैसे कि अभी घुसी है आपके घर पे भी, यहाँ आपके घर पे भी बारिश होती होगी, हर जगह बारिश हो रही है, तो जो भी आप गमला ले रहे हो ड्रेनेज होल सही होना चाहिए, उसके ऊपर आपको मिट्टी तो डालना ही है। उससे पहले जैसे कि मैंने एक पत्थर डाला, वो आपको डालना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा छेद जो है गमले का वो बंद हो जाएगा, फिर हम इसमें देखिए मिट्टी डालेंगे। तीसरा काम हमें देखिए दोस्तों करना क्या है, जो भी आपके पास पौधे हैं यानी कि रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग का काम आप फटाफट से कर लो, नहीं तो फिर ठंड घुसेगी तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाओगे और आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये पिको का प्लांट है और इसके जो पत्ते हैं ख़राब वाले ये मैं निकाल देती हूँ। ये ख़राब कैसे हो गए, जब मैं लेकर आई उड़ीसा से यहाँ वेस्ट बंगाल तो रास्ते में ये डैमेज हो गए, तो इसलिए मैं इसको निकाल दे रही हूँ। और नए नए पत्ते जब ग्रोथ होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो रिपोर्टिंग का काम फटाफट से आप कर लीजिए, बरसात में ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है रिपोर्टिंग का। जितने भी आपके पास फूलों वाले पौधे आप अगर नर्सरी से लाते हो तो आप रिपोर्टिंग करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप पौधे खरीद कर लाइए या फिर और कहीं से लाइए तो दो तीन दिन के लिए या फिर पाँच दिन के लिए अपने गार्डन में इसे सिर्फ छोड़ दीजिए, यानी रख दीजिए, क्योंकि अगर हम इसे रखते हैं तो हमारे जो पेड़ पौधों के साथ ये मिल घुल जाते हैं, फिर हम इसे रिपोर्टिंग करते हैं तो इसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचते या फिर ये घबराते नहीं हैं।
तो इस तरीके से आप रिपोर्टिंग करें, बरसात घुसी गई है तो तीसरा काम आप ये फटाफट से कर लीजिए। तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो जड़ के पास ढीला कर रही हूँ, यानी कि हल्का कर रही हूँ। ये बहुत ही टाइट हो चुकी थी, और मिट्टी हमेशा सॉफ्ट बनाइए जब भी रिपोर्टिंग करो, तो मिट्टी सॉफ्ट बनाइए। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू। खाद देने की ज़रूरत नहीं है, फूलों वाले पौधे हैं तो खाद डालिए, ये इंडोर प्लांट है इसलिए मैं खाद नहीं डाली। मुझे अब मिट्टी इसमें डाल देना है, यानी कि ठूस ठूस कर भर भर कर डाल दीजिए। जैसे कि अभी बारिश हो रही है तो बारिश के पानी गिरेंगे गमले में, तो गमले से छिटक कर सारी मिट्टी नीचे ज़मीन में आ जाएगी, इसलिए हमें ठूस ठूस कर मिट्टी को भर देना है। आपके पास फूलों वाले पौधे तो आप फटाफट से रिपोर्टिंग कर लीजिए, देर ना करते हुए। पूरी बरसात आपके गार्डन में फूलों से पौधा भरा रहेगा, पर ये फूल वाले पौधे नहीं है, मैंने आप सबको बताया ये इंडोर प्लांट है। तो यहाँ पर मैं एक रड की मदद से देख रही हूँ कैसे कुछ कुछ कर या फिर ठूस ठूस कर मिट्टी भर रही हूँ। जो भी आप गमले में रिपोर्टिंग करना चाहते हो कर सकते हो। ये गमला मैंने घर पर बनाया है सीमेंट से, तो आप गमले भी घर पर बना सकते हो, या फिर आपके पास रेडीमेड गमला है तो उस पर भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है। अब जब भी रिपोर्टिंग करो कोई भी पौधे की, तो पानी देना बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं दोगे तो फिर हमारे पौधे इस तरह से शॉक में चले जाएंगे, यानी कि वो उदास हो जाएंगे, जैसे कि इनके पत्ते सारे झूल जाएंगे। तो पानी देना ना भूले, ध्यान रखकर आप पानी डाल दीजिए। उसके बाद हमें चौथा काम क्या करना है, देखिए जब भी हमारे पास जो प्लांट होते हैं बहुत सारे, तो कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, यानी कि ये चिली हिबिस्कस है एक, एक है बोगनविलिया का। तो देखिए दोनों कटिंग मेरी लग चुकी है। तो कटिंग कैसे लगाना है, ये बहुत ही बेस्ट समय है। आप ये भूल कर भी भूल ना जाए, यानी कि ये काम आप ना भूलें। फ्री के पौधे तैयार करना चाहते हो या फिर एक से बहुत सारे पौधे तैयार करना चाहते हो, तो ये काम आप फट से कर लीजिए। मैं इसी गमले में यानी इसी पॉलीबैग में आप सबको कटिंग लगाकर दिखाऊंगी। तो वो भी मैं गुड़हल का पौधा लेने वाली हूँ, जो देसी वाले गुड़हल होते हैं ना, रेड कलर के, इसमें फ्लावर खिलते हैं। ये चावल की बोरी में मैंने लगा के रखा, कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, यानी कि सॉफ्ट प्रूनिंग। और देखिए कलियाँ भी बनने लगे हैं, बरसात में और गर्मी में बहुत अच्छे तरीके से फूल खिलते, ठंड में भी खिलते, पर हल्की इनका जो साइज़ है छोटा हो जाता है फूलों का साइज। तो देखिए ये बहुत ही बेस्ट कटिंग लेना है, यानी कि पेंसिल इतनी पतली ले लीजिए या फिर जस्ट उससे थोड़ा सा हल्का पतला होगा तो भी वो चलेगा। तो हमें देखिए 5 से 6 इंच की कटिंग एक चॉइस कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 5 से 6 इंच की कटिंग, और पेल्सिन से थोड़ी पतली है। पेल्सिन इतनी मोटी भी रहेगी तो चलेगी, उससे भी मोटी रहेगी तो चलेगी, पर उससे पतले रहेंगे तो नहीं चलेगा काम। यानी कि ये कटिंग जो देख रहे हो इससे पतली रहेगी तो नहीं चलेगा काम। ये बहुत ही बेस्ट समय है, आप फटाफट से देर ना करते हुए लगा लीजिए। तो देखिए मैंने 6 इंच की कटिंग ले ली है। अब हमें करना क्या है, जिसके जो पत्ते देख रहे हो नीचे नीचे यहाँ पर है, इसे मैं कट करके हटा दूँगी। यहाँ से क्या होगा ना, ये जो है नोड एरिया है, नोड एरिया से ही हमारे पौधे के जड़ निकलते हैं। और हल्की हल्की हम जब इसे छील देंगे, यानी कि इसके छिलके को हल्के हल्के हाथों से स्क्रैच कर देंगे, तो ये बहुत फास्ट इनके जड़ जो है वो निकल कर आएंगे। तो ये काम आप फटाफट से कर लो, आपके 1 महीने में प्लांट रेडी हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक ही पॉलीबैग में 2 कटिंग लगा कर दिखाया, आपके पास जगह की कमी है तो आप एक ही पॉलीबैग में बहुत सारे पौधे की कटिंग लगा सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ी सी एडजस्ट करती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने छील लिया है, अब यहाँ पे लगा रही हूँ हल्दी। हल्दी जो है वो रूटिंग हार्मोन का काम करता है, बहुत ही फास्ट इनमें जड़ बनते हैं। या फिर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो वो भी लगा सकते हो। वो नर्सरी में मिलती है पर महंगे मिलते हैं, हमें सस्ते में काम निपटाना है तो घर के घरेलू उपाय से भी कर सकते हो। तो हल्दी बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही काम के हैं। तो यहाँ पर हम एक रड की मदद से मिट्टी को छेद कर लेंगे, यानी कि मिट्टी में हॉल कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालेंगे, आप डालो या फिर ना डालो। मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दिया, मैं इसी तरीके से कटिंग लगाती हूँ। अब फिर हमें मिट्टी से दबा देना है। और जब भी आप इस कटिंग को लगाएं तो देखिए धूप में तो मैं शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो फटाफट से कटिंग लगा लीजिए देर ना करते हुए। इस कटिंग को हिलाना नहीं है, यानी डिस्टर्ब नहीं करना है। मिट्टी देखिए मेरी गीली है इसलिए मैं पानी नहीं दे रही हूँ, आपकी मिट्टी ड्राई है तो आप ज़रूर पानी दीजिए। और जब भी पानी दे तो चेक करके दीजिए, हमेशा नमी बना करना रखें, नहीं तो फिर हमारा कटिंग जो है गल जाएगा। पानी दीजिए तो दूर से दीजिए, कटिंग को डिस्टर्ब करके मत दीजिए।
पांचवा काम है हमारा, देखिए ये जो है फूल वाले पौधे हैं, एक्सोरा का प्लांट कलिया बनी हुई है। आपके घर पे भी बहुत सारे गमले होंगे यानी कि पॉट होंगे। तो देखिए बारिश तो होती है तो ऊपर ऊपर क्या होते हैं, पानी जब ठहर जाते हैं तो काई लग जाती है। इसमें काई नहीं लगी हुई है, जो ग्रीन ग्रीन होते हैं ना, काई जिसे बोलते हैं, वो लग जाती है। तो वो अगर नहीं लगने देना है और उससे फंगस भी लग जाते हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो हमें देखिए टाइम टू टाइम गुड़ाई करना है, जैसे कि 2-3 दिन हो जाए तब आपको गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से क्या होता है, हमारी मिट्टी जो है हल्के होते हैं, हमारे पौधे की जड़ को हवा लगते हैं, जो ऑक्सीजन जाते हैं, तो हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और पानी भी नीचे चला जाएगा, यानी ड्रेनेज होल से वो पानी निकल कर चला जाएगा। तो ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। तो आप ये सब गार्डन में काम करना ना भूलें दोस्तों। 5 आइडिया आपको कैसा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ये बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि ये सब अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके पौधे कभी भी नहीं ख़राब होंगे। ये सब आपको गार्डन में करना ही पड़ेगा, गार्डनिंग करते हो तो ये सब तो ज़रूरी है दोस्तों। आप अपना ध्यान जिस तरीके से रखते हो, तो प्लांट लवर हो तो मुझे भरोसा है आप ये सब ध्यान जरूर रखोगे। बाय।